गाइज वेलकम बैक टू माई वीडियो अगेन। स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब अच्छे से होंगे और मार्केट में प्रॉफिट बना रहे होंगे। गाइज आज हम बात करने जा रहे हैं BTC के बारे में, और BTC में कुछ सपोर्ट कुछ रेजिस्टेंट लेवल आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ। और आप सभी को पता है कि BTC ने काफ़ी अच्छी बाउंस बैक मार्केट में अभी दिखाया है, जो कि हमारे लिए जितने भी ट्रेडर्स हैं जो कि BTC में हैं, जिनका पोर्टफोलियो BTC में है, वो डेफिनेटली एक अच्छे एक गुड न्यूज़ है उन लोगों के लिए। प्लस गाइज मैं हम आपको हमेशा कहता हूँ कि अपने पोर्टफोलियो में हमेशा BTC होल्ड करके रखें, क्योंकि BTC नहीं है आपके पोर्टफोलियो में तो कहीं ना कहीं आप एक मेजर चीज़ मिस कर रहे हैं अपने पोर्टफोलियो पर। तो डेफिनेटली आपको वो जो BTC है वो आपको हमेशा अपने पोर्टफोलियो में ऐड करके रखना चाहिए। अब पहले मैं आपको दिखा देता हूँ एक इम्पोर्टेंट बात। इम्पोर्टेंट बात क्या है? इम्पोर्टेंट बात है गाइज ये, हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप भी है, जाकर आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उसका फ़ायदा आपके लिए ही होगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और उसका फ़ायदा आपके लिए क्या होगा मैं आपको वो बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर मैं जितने भी पॉसिबल हो सकता है उतना मैं मार्केट की आपको अपडेट देता रहता हूँ। जितने भी आप ये इमेजेस देख पा रहे हैं, ये सारे हमारे BTC, ये जो हमारा ग्रुप है उसमें शेयर हुई हुई है, तो आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। गाइज अगर आप टेक्निकल लर्न करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप टेक्निकल भी लर्न कर सकते हैं। लाइव क्लासेस होती हैं, जैसे हमारे सामने, जैसे मैं अभी आपसे बातचीत कर रहा हूँ, ऐसी हमारी लाइव क्लासेस होती हैं। लाइव क्लासेस के बाद आप अर्न कर सकते हैं क्रिप्टो फॉरेक्स स्टॉक्स, क्योंकि लर्निंग इंपॉर्टेंट है। अर्निंग तो आप कर ही लेंगे जब आपके पास नॉलेज होगी। ठीक है, अब सीधा चलते हैं BTC के चार्ट पर। BTC क्या दिखा रहा है वो मैं आप सबको बताऊंगा। इसमें देखिए सबसे पहले क्या है कि हम बात कर रहे थे इस राइजिंग वेज की, जो कि आप अगर वीडियोस देखते हैं तो डेफिनेटली आपके दिमाग में ये बात तो छप गई होगी कि यहाँ पर एक भाई एक राइजिंग वेज फॉर्मेशन बनी हुई है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं एक राइजिंग वेज फॉर्मेशन हमें यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, यहाँ पर ब्रेकडाउन हुआ था जो कि $10,000 का, सीधा एक बार 10% का सीधा डंप आया था $10,000 का। आप सभी को पता है 18 अप्रैल की बात है। उसके बाद मार्केट का प्राइस गया था 46,000, लगभग $47,000 पहुंच गया था, 47,000 लगभग पहुंच गया था। ठीक है, उसके बाद मार्केट ने एक बाउंस बैक दिखाया, और जो करंट प्राइस है वो करंट प्राइस है गाइस $58,000। ठीक है, तो रात मार्केट ने काफ़ी अच्छी, जो कल का जो डे था, आखिरी जो दिन था अप्रैल का, उसमें काफ़ी अच्छी मार्केट ने एक बाउंस बैक दिखाया था। वो मैं आपको बता देता हूँ कितना था, वो उसे मेजर कर लेते हैं हम एक बार। अगर मैं आपको मेजर करके बताऊंगा इस, तो अराउंड हमारा जो बाउंस बैक था वो अराउंड 8% का जो बाउंस बैक था वो मार्केट ने दिखाया था, यानी कि सीधा प्राइस 53,000 से लेके सीधा 58,000 आ गया था कल के दिन में। ठीक है, अब क्या हो रहा है, अब क्या हो आगे होने वाला है मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए एक मेजर रेजिस्टेंट, यानी कि एक एक ऐसा लेवल है जिसको ब्रेकआउट करता मार्केट में प्राइस, अराउंड जो आपका रेजिस्टेंट बैठेगा मैं आपको वो बताता हूँ। रेजिस्टेंट जो है हमारा गाइस अराउंड 60,000 पर हमें वो रेजिस्टेंट कहीं ना कहीं मार्केट में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, वो 60,000 क्या है, वो 60,000 मैं आपको दिखा देता हूँ। अराउंड हमारा प्राइस जो है यहाँ पर एक रेजिस्टेंट फेस करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आप यहाँ पर देखेंगे तो एक चैनल पैटर्न फॉर्मेशन थी, यहाँ पर एक चैनल पैटर्न फॉर्मेशन आप देख सकते हैं। यहाँ से मार्केट बार बार इस चैनल के अंदर था, लेकिन क्या हुआ था, इस चैनल को ब्रेक डाउन कर दिया था जिस दिन 10% का डंप आया था मार्केट में। ये देखिए एक चैनल पैटर्न है, यहाँ पर ये चैनल पैटर्न में जा रहा था लेकिन यहाँ से ब्रेक डाउन कर दिया था। अब इम्पोर्टेंट क्या होगा, इस चैनल में दोबारा से आना है इस प्राइस को, और फिर ऊपर की रैली हम देख सकते हैं। देखिए अगर लेवल 60,000 क्या, ये 59,800 से लेके 60,000 का लेवल प्राइस तोड़ देता है, तो डेफिनेटली यहाँ पर हम राइड देखने वाले हैं। पहले ऑल द वे टू 70,000 पहला हमारा टारगेट यहाँ पर मार्केट में डेफिनेटली होने वाला है। अगर 59,800 से लेके 60,000 का जो लेवल है, रेजिस्टेंट है, उसको तोड़ देता है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि प्राइस एक साथ यहाँ से बाउंस बैक मार देगा, कि जैसे कि यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनी थी, मैं ये नहीं कह रहा कि एक ग्रीन कैंडल में यहाँ पर प्राइस पहुँच जाएगा, लेकिन हाँ एक आप कह सकते हैं एक रेंज में प्राइस, फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक रेंज में
प्राइस कहीं ना कहीं हमें 60,000 तक भी देखने के लिए मिल सकता है, अगर 70,000 मिल देखने के लिए मिल सकता है अगर प्राइस ने 59,800 का और 60,000 का जो रेजिस्टेंट है वो तोड़ दिया। अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपका बाइंग जोन क्या बनता है। देखिए, अगर आपकी BTC में होल्डिंग नहीं है पहले से, तो मैं आपको बताता हूँ कि आप चाहें तो इस लेवल के बाद 59,800 से लेके लगभग आप मान लीजिए कि 60,000 के बाद आप कहीं ना कहीं एक परचेज इसमें बना सकते हैं, क्योंकि फिर उसके बाद जो ऊपर का जो पिक्चर होगी वो क्लियर होगी और डेफिनेटली हम 70,000 टच करने वाले हैं। अगर आप रिस्क ट्रेडर हैं तो करंट पे भी बाय कर सकते रख सकते हैं। प्लस एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा मैं, अगर RSI में आपको लेके जाऊँ तो RSI में हमें एक बियरिश डाइवर्जन देखने के लिए मिल रहा है, जो कि बहुत ही एक कह सकते हैं कि मार्केट में कई बार अच्छा प्ले आउट होता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो प्राइस इज मेकिंग हायर हाई, और यहाँ पर आप देखेंगे तो जो RSI है, मोमेंटम है मार्केट में, वो डेफिनेटली एक कह सकते हैं कि एक रेजिस्टेंट फेस कर रही है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो RSI बिल्कुल सेम लेवल पर है और प्राइस जो है वो अप है, तो यानी कि हम अराउंड प्राइस को 55,000 या 56,000 तक भी देख सकते हैं आने वाले टाइम में। आप चाहे तो अपनी एक बाइंग वहाँ पर डेफिनेटली लगा के रख सकते हैं। आप कितना देखिए, 500 $600 BTC में चलता है, तो आप 56,500 पर भी आप बाइंग लगा के रख सकते हैं। हिट हो गई आपकी तो डेफिनेटली आपके मजे आ जाएंगे और आप अगली जो राइड होने वाली है BTC में वो आप डेफिनेटली इंजॉय करने वाले हैं। ठीक है, तो कहाँ पर आप बाइंग लगा के रख सकते हैं, वो आप रख सकते हैं 56,500 से लेके अराउंड 55,500 तक। आप $1,000 का मैं आपको अप डाउन बता रहा हूँ, इसमें आप अपनी बाइंग जोन लगा के रखिए, डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं एक अच्छा प्रॉफिट लेके निकलेंगे मार्केट से। ठीक है, और रजिस्टेंट हमारा आपको पता ही है, 60,000 का एक रजिस्टेंट है, $60,000 का एक रजिस्टेंट है। ये टूटता है तो डेफिनेटली हम 70,000 तक प्राइस को देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इसलिए मैंने सोचा कि आपको बता दूं, क्योंकि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी वाली ये इन्फॉर्मेशन, और डेफिनेटली अगर आप ऐसे प्ले आउट करेंगे तो मार्केट में एक अच्छा प्रॉफिट बना पाएंगे। तो गाइस, मिलता हूँ मैं आपको अगली वीडियो में। BTC की अपडेट आपको दे दी है मैंने, BTC में एक RSI डाइवर्जन हमें देखने के लिए मिल रहा है, उससे क्या हो सकता है प्राइस थोड़ा सा डाउन आ सकता है। कहाँ तक, 56,500 से लेके 55,500 तक हमें कहीं ना कहीं प्राइस दिख सकता है। एक रेजिस्टेंट है हमारा $60,000, $60,000 टूट जाता है तो डेफिनेटली हम देख सकते हैं अगली राइड $70,000, ऑल द वे टू 10,000 डॉलर, जो कि एक अच्छा प्रॉफिट मार्केट में हो सकता है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि आपको मेरे हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। देखिए, मैंने आपको रेजिस्टेंट और सपोर्ट बता दिए, मैं उसके बेसिस पे ही आपको ये सब कुछ बता रहा हूँ। प्लस आपका इन्वेस्टमेंट होगा, आपका ही उसमें रिसर्च होनी चाहिए, आपकी ही उसमें कहीं ना कहीं एक कह सकते हैं कि आपकी एक रिसर्च होनी चाहिए, तभी आप इन्वेस्टमेंट करें। मेरे कहने पर आप इन्वेस्टमेंट ना करें। बाकी ये जो लेवल्स हैं इस पर आप बाइंग लगा के रख सकते हैं। मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें, खुश रहें, परिवार का ध्यान रखें। धन्यवाद।